Hello guys, today we have a FS-I6X 10 channel transmitter. It comes with 10 channel receiver which is IA-10B. आज हम इस transmitter को unbox करने जा रहे हैं. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो please like कर देना और subscribe कर लेना. ये रहा हमारा transmitter. Transmitter किनारे करते हुए हम देखते हैं इसमें क्या क्या है. ये रहा कुछ ज्ञान का पेपर. ये फालतू का ज्ञान हमारे काम करनी है तो हम अभी इसको किनारे ही कर देंगे. यहाँ हमें कुछ स्टिकर्स मिल जाते हैं. हम अपने इस ट्रांसमीटर में इन स्टिकर्स को चिपका सकते हैं. यहाँ हमें मिलता है USB टू आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं, बट आप इससे अपने ट्रांसमीटर का फर्मवेयर अपग्रेड कर सकते हो. चलिए अब ट्रांसमीटर को देखते हैं. ये रहा हमारा ट्रांसमीटर. ये रहा हमारा IA-6B 10 चैनल रिसीवर. ये रही हमारी बाइंडिंग केबल. लुक वाइज देखा जाए तो काफ़ी अच्छा लगता है कि इसकी मूवमेंट भी बहुत सही है इसकी. ये पीछे बैटरी का स्लॉट है. यहाँ पे डबल ए की 4 बैटरी लगती हैं. ये ट्रांसमीटर जो है 10 चैनल, बट ये बाय डिफ़ॉल्ट 6 चैनल आता है. इसमें आपको 10 चैनल करना पड़ता है. मैं आपको दिखाऊंगा इसमें 10 चैनल कैसे करते हैं. यहाँ मेरे पास 4 डबल ए बैटरी हैं. हम इनको ट्रांसमीटर में लगाते हैं, फिर ट्रांसमीटर को ऑन करके दिखाते हैं. देख सकते हैं हमें यहाँ पे सिर्फ 6 चैनल मिलते हैं. ट्रांसमीटर को 10 चैनल सेट करने के लिए हमें कैंसिल के बटन को 2 बार दबाना है और पीछे जाके सिस्टम में जाना है. सिस्टम में जाके हमें ऑक्स स्विचेस सिलेक्ट करना है. मैं अब हमें सारे चैनल हैं ऑन कर देना है और 6 चैनल को 10 चैनल पे सेट कर देना है. अब हमें कैंसिल की बटन को प्रेस करके उसे होल्ड करे रखना है. तो हम जाते हैं फंक्शंस में. फंक्शन में जाने के बाद हम जाते हैं डिस्प्ले में. डिस्प्ले में हमें देख सकते हैं यहाँ पे 10 चैनल आ चुके हैं. यहाँ पर अगर आप यहाँ डाउन की बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 चैनल आ चुके हैं. अब चाहो तो ऑक्शन में जाके आप अपने स्विचेस को चेंज कर सकते हो. कौन सा किस चैनल पे कौन सा स्विच रहेगा मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ. तो मैंने अपने हिसाब से स्विचेस को सिलेक्ट कर लिया है कि इस चैनल पे कौन सा स्विच रहेगा. आप कर सकते हैं अपने हिसाब से. मैंने अपने हिसाब से किया है.
हमारा IA10B 10 चैनल रिसीवर काफ़ी स्मूथ फिनिश है इसकी और डबल लाइनिंग है इसके। पहले हम इसको इसके साथ ट्रांसमीटर के साथ बाइंड करना पड़ता है, ये हमारी बाइंडिंग वायर है, इसके थ्रू हम बाइंड करेंगे। बाइंडिंग करने के लिए इसको यहाँ फंसा देंगे, बाइंडिंग का पोर्ट यहाँ पर दिया हुआ है। उसके पहले हमें इसमें पावर देना पड़ेगा, पावर देने के लिए आप AC यूज़ कर सकते हो। AC 11.1 वोल्ट की बैटरी, आप लिपो बैटरी, पहले हम AC को लिपो बैटरी से कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद हम पावर देते हैं इसमें, पहले बाइंडिंग केबल लगा लेते हैं, फिर हम इस रिसीवर को पावर देते हैं। हो गया, अब हम बाइंडिंग स्विच को प्रेस करेंगे, प्रेस कर होल्ड करके हमें ट्रांसमीटर ऑन करना है। ये हमारा ट्रांसमीटर बाइंड हो गया रिसीवर के साथ, अब हमें सब ऑफ कर देना है, ट्रांसमीटर ऑफ करना है, बाइंडिंग वायर निकालनी है, रिसीवर निकालना है। अब हम रिसीवर में पावर देते हैं, फिर ट्रांसमीटर को ऑन करते हैं। सॉरी मैंने उल्टा लगा दिया था। अब हम एक सर्वो टेस्ट करते हैं, इसमें सर्वो लगा के टेस्ट करके देखते हैं कि वर्क करता है नहीं करता है। हमने अब सर्वो यहाँ लगा दिया थर्ड चैनल पे। ये देख सकते हैं काफ़ी सही वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं आ रही इसके वर्क में। अब इसको अब हम इसको 10th चैनल पे लगा के देखते हैं। Thanks for watching my video. Please like, subscribe and share.